हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशन ऑफ ऑफ साइक्लो हेक्सेन। ठीक है बच्चों, तो साइक्लोहेक्सेन ये है। ठीक है बच्चों, हम साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसमें स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड दो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम इसमें बच्चों ड्रा करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने कहा ये कार्बन वन है, ये कार्बन टू, और इसको बोला कार्बन वन डैश और कार्बन बच्चों टू डैश। बच्चों देखिए, इस कार्बन से ये टू हाइड्रोजन अटैच है, और बच्चों इस कार्बन से भी टू हाइड्रोजन अटैच है। इस तरीके से ये सेकेंड से भी हैं और टू डैश से भी हैं बच्चों। ठीक है, हमने बच्चों देखा, जैसे हमने कहा कि हमने कार्बन वन को फ्रंट कार्बन कंसीडर किया। ठीक है बच्चों, अब इससे देखिए, इस कार्बन वन से अटैच किया है टू हाइड्रोजन। हमने बच्चों ये टू हाइड्रोजन यहां पर लिखे ऐसे। ठीक है, अब कार्बन वन से एक ये बॉन्ड अटैच है, ठीक है, जो सी एच टू है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों देखिए, अब कार्बन टू की बात करो तो कार्बन टू हमारा ये कार्बन हो गया बैक वाला। ठीक है बच्चों, अब इस कार्बन टू से भी बच्चों टू हाइड्रोजन अटैच है। बच्चों एक एच यहां पर लिखा हमने, एक एच यहां पर लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों वन डैश की। तो इसी तरीके से बच्चों हमारे पास क्या है, कार्बन ये वन डैश वाला बच्चों और टू डैश वाला। ठीक है, तो टू डैश से भी देखिए, टू डैश से भी टू हाइड्रोजन अटैच है बच्चों। ठीक है, कुछ ऐसे। अब देखिए बच्चों, कार्बन वन, अब हमने कहा इसको अल्फा और इसको कह दिया हमने बीटा, बीच वाले सी एच टू को ध्यान दीजिए बच्चों। तो वन और वन डैश के बीच में क्या है बच्चों, सी एच टू। ये बच्चों ये वन और ये वन डैश, इनके बीच में क्या है, सी एच टू जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे जोड़ दिया बच्चों हमने इसको। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छे तरीके से बना देता हूं। तो वन और वन डैश के बीच में क्या है बच्चों, सी एच टू। इसी तरीके से टू और टू डैश के बीच में भी क्या है बच्चों, सी एच टू। तो टू और टू डैश के बीच में भी बच्चों क्या है, इस तरीके से ये सी एच टू है। ठीक है, जिसको हमने अल्फा और बीटा कहा। तो बच्चों ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, ये बीटा हो गया। ठीक है, अब बाकी हाइड्रोजन है बच्चों यहां पर, तो वन डैश से कनेक्टेड टू हाइड्रोजन ये रहे। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, ये है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड न्यूमैन। ठीक है, अब बच्चों इसका हम अगर एक्लिप्स फॉर्म बनाए तो एक्लिप्स में क्या होगा बच्चों, ये सारे एच के पीछे एच आ जाएगा, ये एच के पीछे एच आ जाएगा, सी एच टू के पीछे सी एच टू आ जाएगा। इस तरीके से एक्लिप्स होगा, सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे, ये सी एच टू के पीछे चला जाएगा। एक्लिप्स बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों, ये H, ये H, ये H और ये H। अब देखिए ये जो बीटा वाला है ये ऐसे आ जाएगा बच्चों, ये ठीक है सी एच टू, एच के पीछे एच, एच के पीछे एच और ये एच और ये एच। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्या है बच्चों, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड न्यूमैन। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइक्लोहेक्सेन के दो इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन होते हैं। एक होता है बच्चों चेयर, चेयर कन्फर्मेशन, और दूसरा है बच्चों बोट। ठीक है बच्चों, जो स्टैगर्ड न्यूमैन होता है ये है बच्चों चेयर वाला, चेयर कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, और जो एक्लिप्स न्यूमैन है बच्चों ये बोट कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है।
सपोर्ट कंफर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो बात करें बच्चों स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी देख रहे हैं बच्चों स्टैगर्ड वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एक्लिप्स से। ठीक है, क्योंकि एक्लिप्स वाले में बच्चों क्या है इन एच एच के बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से इन इनके इस फॉर्म की स्टेबिलिटी बच्चों क्या है कम होती है। तरीके से आप स्टैगर ज्यादा स्टेबल है एक्लिप्स से, इसी तरीके से बच्चों क्या चेयर वाला बोट से ज्यादा स्टेबल है। तो चेयर कन्फर्मेशन बोट से बच्चों ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब चेयर कैसा है बच्चों, चेयर कन्फर्मेशन कैसे बनेगा और बोट कैसे बनेगा, अब हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बात समझ गए इतनी अभी तक। बच्चों देखिए चेयर के लिए हमने बच्चों ये टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन का ही चेयर कन्फर्मेशन बना रहे हैं बच्चों ये। ठीक है, हमने एक ये बड़ा बॉन्ड है लॉन्ग और ये छोटा एक बॉन्ड बनाया शॉर्ट वाला। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये लॉन्ग बॉन्ड है और ये क्या है शॉर्ट है। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से हमें इन दोनों को भी कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये लॉन्ग है तो अभी बॉन्ड बनाएंगे बच्चों शॉर्ट और इस बॉन्ड को कर देंगे लॉन्ग, ये लॉन्ग। ठीक है बच्चों, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है कुछ ऐसे, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, और ये वाले बॉन्ड कुछ ऐसे हैं, ये इस तरीके से और ये दोनों बॉन्ड बच्चों इस तरीके से। ठीक है, तो ये है चेयर। ठीक है, अब बच्चों बोट बनाते हैं, तो बोट फॉर्म ये बच्चों है बोट। ठीक है, तो बोट में देख रहे हैं बच्चों अगर हम बात करें ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों देखिए चेयर में फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ बच्चों ऐसे रहते हैं, ये फर्स्ट ऐसे ऊपर की तरफ है, ये फोर्थ वाला बच्चों क्या है ये नीचे की तरफ है। लेकिन बच्चों बोट में क्या है, फर्स्ट और फोर्थ वाले जो कार्बन है वो कुछ इस तरीके से है, तो फर्स्ट और फोर्थ में कार्बन से अटैच बच्चों हाइड्रोजन भी होंगे, तो इन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है बच्चों रिपल्सन होने लगता है इस तरीके से। इन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन की वजह से बोट फॉर्म बच्चों क्या है कम स्टेबल होता है, ये काफी क्लोज होते हैं इनकी वजह से इनमें रिपल्सन होता है, और इन हाइड्रोजन को बच्चों बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फ्लैग पोल रिपल्सन है बच्चों, पास पास आने की वजह से ये आपस में क्या है रिपल करते हैं, तो रिपल्सन की वजह से बच्चों इनकी स्टेबिलिटी क्या है कम होती है, तो बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं हम इस चेयर की, तो बच्चों देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों साइक्लोहेक्सेन में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला है बच्चों C6H12। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है 12 हाइड्रोजन है, इन 12 हाइड्रोजन को बच्चों हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये दो कैटेगरी हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन एक जैसे और दूसरे 6 हाइड्रोजन एक जैसे, एक जो 6 हाइड्रोजन है उनको हम कहते हैं एक्सियल एच और दूसरे जो
सिक्स हाइड्रोजन होंगे वो जाएंगे बच्चों इक्वेटोरियल एज। ठीक है तो बच्चों हम इसमें मेंशन करने की कोशिश करते हैं वो छह एक्सियल कौन से हैं और छह इक्वेटोरियल कौन से हैं। तो बच्चों एक्सियल एच एक्सियल बॉन्ड पर मिलेंगे, ठीक है, और इक्वेटोरियल एच बच्चों मिलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड पर। ठीक है एक चेयर और बना देते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखिए देखिए बच्चों तो इसमें देखिए ये पॉइंट ये ऐसा दिख रहा है बच्चों आपको, ये ऊपर की तरफ इसका नोक है और बच्चों ये यहां पर देखिए ये बच्चों ये नीचे की तरफ पॉइंट किया हुआ है। बच्चों हम इसमें एक्सियल एच बनाते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। बच्चों ये बॉन्ड बॉन्ड जो ऊपर की तरफ पॉइंट किया हुआ है ये और ये, ठीक है, इस तरीके से ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट जो कॉर्नर्स है बच्चों अपवर्ड पॉइंटेड है और इसी तरीके से बच्चों ये कॉर्नर डाउनवर्ड पॉइंटेड है, ये कॉर्नर डाउनवर्ड पॉइंटेड है, ठीक है, ये वाला डाउनवर्ड पॉइंटेड है। तो ये सभी के सभी बच्चों हाइड्रोजन हैं, एच 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 और ये एच, ये सभी के सभी बच्चों हाइड्रोजन एक्सियल बॉन्ड वाले हैं, ए ए ए ए ए और ये ए, ठीक है। तो बच्चों सिक्स जो एक्सियल हाइड्रोजन हैं उनको आप देखें तो थ्री हाइड्रोजन और थ्री हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन अपसाइड है और तीन हाइड्रोजन बच्चों क्या है डाउन साइड है, ठीक है। इन छह एक्सियल एच को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये अप देखिए बच्चों ये क्या है अप, ये इसका जो कॉर्नर है अपवर्ड पॉइंटेड है अप बच्चों, ये है अप, ठीक है। इसकी बात करें बच्चों इसका कॉर्नर डाउनवर्ड पॉइंटेड है डाउन, इसका कॉर्नर भी डाउनवर्ड पॉइंटेड है डाउन, इसका कॉर्नर भी है डाउनवर्ड पॉइंटेड डाउन, ठीक है बच्चों। तो आप अगर इसमें देखें बच्चों कि अपवर्ड पॉइंटेड कौन है अल्टरनेट वाले, फर्स्ट वाला थर्ड वाला और फाइव वाला, ठीक है। तो वन थ्री फाइव में जो हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों, ये क्या है अपवर्ड है और टू फोर सिक्स के जो हाइड्रोजन है ये क्या है बच्चों डाउन है। हाइड्रोजन कौन से एक्सियल वाले ही, ठीक है। तो वन थ्री फाइव का जो एक्सियल है वो अप है और 2, 4, 6 का जो एक्सियल है बच्चों वो क्या है डाउन है। इतनी बात समझ गए। तो बच्चों एक्सियल के बाद हम इक्वेटोरियल बनाते हैं। तो बच्चों देखें कि एक्सियल के अलावा इसमें जो दूसरा हाइड्रोजन है बच्चों वो इक्वेटोरियल वाला होगा कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये एच ये एच ये एच ये एच ये एच ये एच सभी बच्चों कैसे हैं इक्वेटोरियल वाले, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हैं कि सिक्स हाइड्रोजन एक्सियल के हैं, सिक्स इक्वेटोरियल के हैं। तो इक्वेटोरियल में भी बच्चों अब देख रहे हैं कि अगर वन थ्री फाइव का जो एच है वो इक्वेटोरियल है वो कैसा होगा और टू फोर सिक्स का जो एच है बच्चों जो इक्वेटोरियल है वो कैसा होगा। देखिए अगर फर्स्ट पर बच्चों एक हाइड्रोजन अप है तो दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों डाउन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन बच्चों ये sp3 है और इससे दो ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक एच अगर अपसाइड है तो दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों वो डाउन ही होगा, ठीक है। इस तरीके से हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन अगर अप है तो दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों डाउन साइड होगा। तो देखिए 1, 3, 5 के हाइड्रोजन अगर अप है एक्सियल वाले तो इक्वेटोरियल वाले क्या होंगे बच्चों डाउन होंगे। तो 1, 3, 5 का एच इक्वेटोरियल है बच्चों ये कैसा होगा डाउन, तो ये एच कैसा है बच्चों डाउन साइड है, ठीक है। अब 2, 4, 6 के H की बात करें तो 2, 4, 6 के एक्सियल वाले H डाउन है तो इक्वेटोरियल वाले जो H होंगे बच्चों वो कैसे होंगे वो अपसाइड होंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें
एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों हाइड्रोजन को मेंशन करते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये चेयर बनाया, अब इस चेयर में हमें दोनों तरह के हाइड्रोजन को मेंशन करना है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम हाइड्रोजन को लिख देते हैं बच्चों, यहां पर H इस तरीके से, ठीक है। तो जो एक्सियल वाला कौन सा है उसको देखिए, तो बच्चों ये एक्सियल H, तो ये इक्वेटोरियल H बच्चों, ठीक है। ये वाला एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है बच्चों, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है बच्चों, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। अब बच्चों देखिए ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे लिखा, नंबरिंग हम कैसे भी कर सकते थे। अब देखिए बच्चों फर्स्ट में एक्सियल कैसा है अप, ठीक है, फर्स्ट का एक्सियल अप, तो फर्स्ट में जो इक्वेटोरियल है वो कैसा है बच्चों, डाउन, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर फर्स्ट का एक्सियल अप है, ठीक है, तो बच्चों सेकंड का एक्सियल कैसा है, डाउन, अल्टरनेट चलेगा बच्चों, ये बच्चों कैसा है, ये डाउन, ये एक्सियल कैसा है बच्चों, डाउन, तो इक्वेटोरियल कैसा हो जाएगा बच्चों, अप, ठीक है। अब बच्चों थर्ड की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड के एक्सियल अप है, तो देखें जो चोंच ऊपर की तरफ उठी हुई है, कॉर्नर अपवर्ड पॉइंटेड है तो अप होगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है अप, इक्वेटोरियल अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड का डाउन, तो थर्ड का इक्वेटोरियल अपने आप ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का जो एक्सियल है बच्चों ये क्या है, अगर थर्ड का अप है तो फोर्थ की देखिए चोंच जो कॉर्नर है डाउनवर्ड पॉइंटेड है बच्चों, ये हो जाएगा डाउन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मिलेगा हमें अप। इसी तरीके से देखिए फिफ्थ में अप है तो इक्वेटोरियल क्या है बच्चों, ये इक्वेटोरियल डाउन है। अब बच्चों सिक्स की बात करें तो फिफ्थ का एक्सियल अप, तो सिक्स का क्या होगा बच्चों, एक्सियल डाउन, देख रहे हैं इसका कॉर्नर डाउनवर्ड पॉइंटेड है तो डाउन लिखा, तो इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा बच्चों, अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्टरनेट अरेंजमेंट मिलता है, आप सिक्स से फर्स्ट को भी देख सकते हैं कि सिक्स का एक्सियल डाउन है तो बच्चों फर्स्ट का एक्सियल क्या है अप। इस तरीके से हमने देखे 12 हाइड्रोजन्स जो थे चेयर कन्फॉर्मेशन में उसको हमने क्लासिफाई किया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिंग फ्लिपिंग। बच्चों साइक्लोहेक्सेन में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मेशन अपने दूसरे चेयर कन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों जब एक चेयर अपने दूसरे चेयर में कन्वर्ट होता है इसी को हम बोलते हैं बच्चों रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग होती किस वजह से है बच्चों, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन की वजह से रिंग फ्लिपिंग होती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वन चेयर कन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू अदर चेयर कन्फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज रिंग फ्लिपिंग। बच्चों लिखा हुआ डेफिनेशन, बच्चों फ्लिपिंग का रिजल्ट क्या है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिंग फ्लिपिंग इक्वेटोरियल बॉन्ड बिकम्स एक्सियल एंड एक्सियल बॉन्ड बिकम्स इक्वेटोरियल। बच्चों जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो एक्सियल वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल बन जाता है और इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड बच्चों क्या है, एक्सियल बन जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों हम चेयर कन्फॉर्मेशन बना करके, तो बच्चों देखिए हमने ये चेयर बनाया, ठीक है। तो इस चेयर में हमने एक्स और वाई बॉन्ड लिए बच्चों, ये एक्स एक्सियल पर है और बच्चों वाई है इक्वेटोरियल पर, और हम बच्चों फ्लिपिंग करवाते हैं। तो फ्लिपिंग क्या बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की वजह से, फ्री रोटेशन की वजह से ये फ्लिपिंग फास्ट होती है,
और हमने दूसरा चेयर बना लिया, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे बनाएंगे बच्चों। तो पहले इसमें फिलिपिंग में सॉल्ट, फिर लॉन्ग, ठीक है, और ये सॉल्ट है तो इसको लॉन्ग बना दिया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये आ गया बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बच्चों फर्स्ट पर देखिए एक्स और वाई है, ठीक है, तो दो बॉन्ड है, ठीक है, तो ये बच्चों आ गया। तो एक्सियल वाला बच्चों इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, ठीक है। तो बच्चों अभी एक्स एक्सियल पर है तो बच्चों यहां पर मिलेगा एक्स इक्वेटोरियल पर और वाई आ जाएगा बच्चों एक्सियल पर। तो एक्सियल पर जो एटम है बच्चों इक्वेटोरियल पर दिखेगा और इक्वेटोरियल पर जो एटम है बच्चों एक्सियल पर दिखेगा। बच्चों चेयर फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस अदर फॉर्म। कौन कौन से है बच्चों, जैसे हम कहते हैं ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर बोट, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। तो जो देखिए ट्विस्ट बोट कैसा, तो बोट तो देखा है बच्चों आपने, बोट ये है कुछ ऐसा, तो ट्विस्टेड बोट कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, ये है बच्चों ट्विस्ट बोट। और अगर हाफ चेयर की बात करें तो बच्चों कुछ ऐसा, इस तरीके से, ये है बच्चों हाफ चेयर। अब बच्चों इनमें हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास चेयर फॉर्म है, ट्विस्ट बोट है, हाफ चेयर है और बोट है। तो इनमें बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चेयर। अगर बच्चों हम स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों चेयर वाला, ठीक है। और हमने देखा बच्चों चेयर और बोट में चेयर ज्यादा स्टेबल है, बोट कम स्टेबल है। अब बच्चों देखिए, तो अगर हम इनमें बाकी सब में कंपेयर करें तो हाफ चेयर बच्चों होता है ये सबसे लीस्ट स्टेबल माना गया है। हाफ चेयर बच्चों स्टेबिलिटी में सबसे पीछे है, क्योंकि स्टेबिलिटी में सबसे पीछे होने का मतलब ये है बच्चों इसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। अब बच्चों बात करें बोट में और ट्विस्ट बोट में, दोनों ही बोट है, ठीक है। तो बोट में बच्चों मिलेगा आपको ट्विस्ट बोट और बोट, ठीक है। तो बच्चों आप याद रख सकते हो सी टी बजी है, ठीक है, सी टी बजी है। तो सी मतलब बच्चों चेयर, टी मतलब हो गया ट्विस्ट बोट, बजी मतलब बोट और है मतलब क्या है बच्चों हाफ चेयर, ठीक है। तो बच्चों देखें ट्विस्ट बोट बोट से ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों आपको पता है कि बोट में क्या था, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन था, जिस रिपल्सन को हमने बोला था कि फ्लैग पोल रिपल्सन है बच्चों, इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास होने की वजह से ये रिपेल करते हैं, ठीक है। अब जब ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्ट करने पर बच्चों क्या होगा, इसको जब ट्विस्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या बच्चों दूर चले जाते हैं, तो दूर चले जाने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है ट्विस्ट बोट। और चेयर और बोट में भी देखा है कि बोट में वही फ्लैग पोल रिपल्सन है जो ज्यादा होने की वजह से चेयर आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है बच्चों। और हाफ चेयर में रिपल्सन क्या है बच्चों मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है कम है। तो चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर, ये है बच्चों इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है।
हम एक क्वेश्चन देखते हैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो बच्चों हमने देखा कि एक चेयर दूसरे चेयर में कन्वर्ट होता है। जब बच्चों एक चेयर से चेयर का कन्वर्जन होता है तो बच्चों बीच में हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट ऐसे फॉर्म भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ये मैच करवाना है बच्चों इस ग्राफ में। तो पोटेंशियल एनर्जी और डिफरेंट जो फॉर्म्स है साइक्लोहेक्सेन के, उनके बीच का एक ये ग्राफ बना हुआ है बच्चों। तो हमें देखना है कि ये फर्स्ट पॉइंट या सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, इनमें से ए बी सी डी में से किस में से मैच करवा रहा होगा, वो हमें बच्चों देखने हैं। तो बच्चों देखिए, तो इसके लिए अभी हमने बच्चों स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर पढ़ा था। स्टेबिलिटी में बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर, चेयर के बाद आता है बच्चों ट्विस्ट बोट। ठीक है, तो ट्विस्ट बोट है, फिर है बच्चों बोट है, और हाफ चेयर मैक्सिमम रिपल्सन की वजह से बच्चों ये सबसे पीछे होता है। ठीक है, अब बात करें बच्चों चेयर, तो चेयर तो ठीक है, ये चेयर चेयर मेंशन है। अब जो चेयर के बाद नेक्स्ट जो स्टेबिलिटी में है वो है बच्चों ट्विस्ट बोट। अब ट्विस्ट बोट कौन सा है, तो बच्चों आप इसमें ग्राफ में मैच करवाएं। ये तो आ गया चेयर, बच्चों चेयर है और ये चेयर है। ठीक है, तो चेयर के बाद देखें तो हाईली अनस्टेबल है हाफ चेयर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी की जो पीक है बच्चों ये है फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली, सो मैच करा लो। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये हाफ चेयर है बच्चों, ये क्या है, हाफ चेयर है। ठीक है, तो हाफ चेयर है बच्चों फर्स्ट और फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हाफ चेयर के बाद हाफ चेयर है और हाफ चेयर से थोड़ा सा आगे जो स्टेबिलिटी में वो है बच्चों बोट। ठीक है, और ट्विस्ट बोट ये है। ठीक है, अब बच्चों हाफ चेयर के बाद ये जो थर्ड पॉइंट है आप इसको देखिए, ये वाला लाइन। ठीक है, तो हाफ चेयर की सबसे ज्यादा एनर्जी, उससे कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबल है बोट, ये है बच्चों बोट। और सेकेंड वाले पॉइंट की बात करें, ये बच्चों ये दोनों क्या है, ये दोनों है ट्विस्ट बोट। ठीक है, तो जो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो सबसे कम स्टेबल है, जिसकी एनर्जी कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों हाफ चेयर। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी में आता है बच्चों ट्विस्ट बोट, फिर है बोट, और फिर है बच्चों, तो चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल और हाफ चेयर बच्चों क्या है, सबसे कम स्टेबल। तो बच्चों आप मैच करवाना चाहें तो देखिए ट्विस्ट बोट, तो ट्विस्ट बोट है बच्चों टू वाला, तो टू वाला रिप्रेजेंट करता है बच्चों ट्विस्ट बोट को। ठीक है, अब बच्चों बात करें इस थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड वाला रिप्रेजेंट करता है बच्चों बोट को। ठीक है, तो ट्विस्ट बोट में क्या है बच्चों ए। ठीक है, और हाफ चेयर को कहा गया है बच्चों हाफ चेयर को कहा गया है बी, और हाफ चेयर है बच्चों आपके फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ क्या है बच्चों, हाफ चेयर, और हाफ चेयर है बच्चों बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट। तो बी और सी मतलब उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और बच्चों बोट की बात करें तो बोट है डी। ठीक है बच्चों, बात करते हैं कंफर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बच्चों, जो चेयर कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है बोट से, तो हम बात करेंगे यहां पर चेयर की ही बात करेंगे कि चेयर में देखे थे बच्चों हमने दो तरह के हाइड्रोजन थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है बच्चों, अब बात ये रहेगी कि जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो किस पोजीशन पर होगा, एक्सियल पर होगा या इक्वेटोरियल पर होगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट उस पोजीशन को ज्यादा प्रेफरेंस देगा जहां पर उसके आने से रिपल्सन कम हो या वो ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, अपने आप को ज्यादा स्टेबल फील करता हो। तो दो तरीके के बॉन्ड में बच्चों सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, देन
एक्सियल, ठीक है। तो एक्सियल के कंपेरिजन में इक्वेटोरियल पर स्टेबिलिटी बच्चों ज्यादा होती है। देखते हैं ऐसा क्या है। तो देखिए बच्चों, हमने ये CH3 को लगाया एक्सियल पर और इस तरीके से दूसरे स्ट्रक्चर में बच्चों हमने इसको इक्वेटोरियल पर रखा, ठीक है। ये है इक्वेटोरियल पर बच्चों। एक्सियल में आने से क्या है, इसको ये वाला हाइड्रोजन जो एक्सियल वाला है और बच्चों ये वाला हाइड्रोजन जो कि एक्सियल वाला है, तो इससे इसको रिपल्सन मिलता है बच्चों इस तरीके से। तो ऐसे रिपल्सन को कहते हैं बच्चों 1.3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन क्या है बच्चों, रिपल्सन है। तो इस रिपल्सन की वजह से अगर हम स्ट्रक्चर 1 की और स्ट्रक्चर 2 की बात करें बच्चों, स्टेबिलिटी में सेकेंड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हम ये बात, मतलब रिजल्ट निकल के आता है कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो हमें जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है जहां पर स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है बच्चों। बच्चों हम देखते हैं कंफर्मेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे कि हमने बताया था कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है या दो हो तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल, क्योंकि बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन पर रिपल्सन कम मिलता है और एक्सियल पोजीशन पर 1.3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं बच्चों, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक्सियल पोजीशन पर है तो उसमें रिपल्सन बच्चों क्या है, ज्यादा मिलता है। तो बच्चों हमें कोशिश ये करनी है, तो कभी आपसे पूछे ये 1.2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, बोले कि इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बच्चों आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, दैट कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल इन विच सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है बच्चों। देखिए तो हम पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो 1-2 पोजीशन पर, जैसे ये 1 और ये 2 है, तो जो हमने यह है जिससे इसको 1-2 पोजीशन मान लिया, ठीक है। हम कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों 1-2 पोजीशन पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ग्रुप को, दोनों ही CH3 ग्रुप को हमने लिखा है बच्चों एक्सियल पर, ठीक है। अब बच्चों हमने एक को एक्सियल पर लिखा है और दूसरे CH3 को बच्चों हमने इक्वेटोरियल पर प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, अब ये इक्वेटोरियल बन जाए या ये एक्सियल बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही जैसे रहेंगे। और बच्चों दोनों को ही हमने बच्चों इक्वेटोरियल पर प्लेस कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो तीन कन्फर्मेशन बने बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो बात करें बच्चों इसमें स्टेबिलिटी की, बच्चों अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन वो होगा वेयर बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बच्चों थर्ड आ गया, ठीक है। तो थर्ड में क्या है बच्चों, ई वाला। अब बच्चों अब फर्स्ट में देखिए तो दोनों एक्सियल पर हैं, तो एक्सियल पर इसको रिपल्सन ज्यादा फील होगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी वजह से क्या है बच्चों, ये पीछे हो जाएगा फर्स्ट और बीच में रहेगा बच्चों सेकेंड, जिसमें ए ई हो, ये बच्चों हम इसको ई ए लिखें, दोनों एक ही जैसे हैं, और ए ए वाला बच्चों क्या है सबसे बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट वाला, फर्स्ट की कहानी क्या है बच्चों, इसके रिपल्सन इसमें ज्यादा है। इसका देखो फैक्टर क्या है, एक तो बच्चों ये जो H है, तो ये H और ये H, इसकी वजह से बच्चों इस CH3 ग्रुप के H की वजह से इसको मिलता है रिपल्सन, जो कि है बच्चों डाइएक्सियल इंटरेक्शन। और दूसरा बच्चों ये जो CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, ये इधर भी रिपल्सन इसको देता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्सन क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बच्चों क्या है, मिनिमम है। और ये ऐसे इंटरेक्शन है 1.3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है बच्चों, यही है क्या 1.3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, या इसी को हम बोलते हैं रिपल्सन, ठीक है बच्चों। देखा तो ये 1.2 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे, अब बच्चों 1.3 पर देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो 1.3 पर भी बच्चों तरीका वैसे ही है। तो 1.3 पर बच्चों देखिए दो CH3 ग्रुप, दोनों कैसे हो सकते हैं बच्चों,
एक्सियल पर, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि एक एक्सियल पर आ जाए, एक इक्वेटोरियल पर आ जाए, या बच्चों दोनों ही ग्रुप कहां पर आ जाए बच्चों, इक्वेटोरियल पर आ जाए, ठीक है। तो इसमें भी तीन अरेंजमेंट बन गए बच्चों, 1 और 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो 3, 2 एंड 1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें देखिए नेक्स्ट है 1, 4 पर है, तो बच्चों ये 1 और ये 4, तो बच्चों ये एक्सियल पर, और बच्चों एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल, और बच्चों दोनों ही इक्वेटोरियल पर, ठीक है। तो बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में बच्चों हमें मिलेगा स्टेबिलिटी, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1 साइक्लोहेक्सेन 1,2-diol, नेक्स्ट नंबर 2 है साइक्लोहेक्सेन 1,3-diol और साइक्लोहेक्सेन 1,4-diol, ठीक है बच्चों। तो देखिए तो हम बच्चों फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं साइक्लोहेक्सेन का 1,2-diol, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये बच्चों OH और ये OH, ठीक है बच्चों। तो ये पास में होने की वजह से बच्चों क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, H बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी मिलती है, दूसरा दोनों ही बच्चों क्या है ये इक्विटोरियल पोजीशन पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 2, तो बच्चों इसको देखते हैं, ठीक है। तो जो ये 1,3 है, ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या है कि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों एक्सियल वाले स्टेबल रहेंगे, इसमें याद रखना बच्चों, क्योंकि इसमें क्या कर लेता है बच्चों, ये एच बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी वजह से ये बच्चों क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम थर्ड केस की बात करें 1,4, तो साइक्लोहेक्सेन 1,4-diol में बच्चों इसका बोट कंफर्मेशन बच्चों क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये बच्चों क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है बच्चों। बच्चों कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बच्चों हमें कुछ कन्फॉर्मेशन दिए हैं, इनमें सीस और ट्रांस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चों। तो आइडेंटिफिकेशन का क्या तरीका है बच्चों, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये 1 और 2, ठीक है, ये 1, 2 और ये 1 और 2 पर सब्सिट्यूएंट है। तो बच्चों हम एक आपको तरीका बताते हैं कि जैसे दोनों ही एक्सियल हों या बच्चों दोनों ही इक्वेटोरियल हों, ठीक है, एक केस बनेगा, दूसरा केस बनेगा बच्चों एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल, ठीक है, ठीक है बच्चों। इनमें जो पोजीशंस जिन पोजीशंस पर होंगे, तो यहां पर क्या करते हैं बच्चों, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस, ठीक है। तो अगर डिफरेंस बच्चों इवन है तो सिस, और डिफरेंस अगर बच्चों ऑड है तो क्या मिलेगा बच्चों, वो ट्रांस होगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए यहां पर बच्चों हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस +1, ठीक है, इन पोजीशंस का जो डिफरेंस होगा वो निकालेंगे,
और डिफरेंस प्लस वन को देखेंगे तो अगर डिफरेंस प्लस वन इवन आ रहा है तो बच्चों सिस, अगर डिफरेंस प्लस वन वैल्यू और आ रही है तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। देखिए वन और टू, तो बच्चों ये दोनों ही एक्सियल है। ठीक है, तो वन और टू का बच्चों डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया बच्चों वन। ठीक है, दोनों ही एक्सियल है, डिफरेंस आ गया वन, और वन डिफरेंस क्या है बच्चों, ऑड है। ये क्या है बच्चों, ये जो गिवन कन्फर्मेशन है ये क्या है बच्चों, ये है ट्रांस। ठीक है, अब बच्चों इसको देखिए, ये तो एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो वन और टू यहां पर बच्चों क्या देखेंगे, डिफरेंस प्लस वन। तो डिफरेंस प्लस वन मतलब क्या है बच्चों, वन प्लस वन जो कि आ गया बच्चों टू, तो डिफरेंस प्लस वन आ गया टू मतलब इवन है। तो ये कैसा है बच्चों, ये है सिस। ठीक है, अब बच्चों इसको देखिए, ये दोनों ही क्या है बच्चों, इक्वेटोरियल पर है, तो दोनों ही इक्वेटोरियल पर है, तो देखिए वन और टू, तो बच्चों इसका जो डिफरेंस आ गया, वन और टू का डिफरेंस मिला आपको वन, और डिफरेंस बच्चों इस केस में क्या है, ऑड है, ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, ट्रांस को। बात समझ रहे हैं। दूसरा तरीका भी बच्चों हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए ये क्या है, ये अप है, और ये अगर फर्स्ट का एक्सियल अप है तो सेकंड का एक्सियल क्या होगा बच्चों, डाउन। तो एक अप और एक डाउन क्या होता है बच्चों, ट्रांस। तो मतलब ट्रांस कुछ ऐसा, तो अप, ये अप है तो अप बना दिया, वन और टू का डाउन है तो डाउन बना दिया, इस तरीके से। अब बच्चों इसमें देखिए, ये अप है, ठीक है, और अगर टू का एक्सियल डाउन है तो टू का, ठीक है बच्चों, तो टू का अगर बच्चों एक्सियल डाउन है तो टू का इक्वेटोरियल क्या होगा बच्चों, अप होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दोनों ही अप है, ये सीस है, ऐसे भी सीस आ रहा है, ऐसे भी सीस आएगा, तो जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं बच्चों काम। तो वन टू सीस मतलब ये बन गया, आप बच्चों इसको देख सकते हो। तो देखिए फर्स्ट का अगर एक्सियल अप है तो फर्स्ट का इक्वेटोरियल डाउन होगा। ठीक है, अगर बच्चों सेकेंड का एक्सियल डाउन है तो सेकेंड का इक्वेटोरियल क्या होगा बच्चों, अप। ये ट्रांस है अभी भी, तो अभी भी ये बच्चों ट्रांस है, तो ये जैसे बना है वैसे दिखेंगे। तो अगर ये वन और ये टू, तो वन को अगर हमने डाउन लिखा है तो डाउन ऐसे हो गया, और टू को अप लिखा है तो टू बच्चों अप ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं, ये एक्सियल, एक्सियल और वन टू और ये थ्री, तो वन और थ्री का एक्सियल है, तो बच्चों डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आ गया बच्चों टू, वन और थ्री का डिफरेंस टू, और बच्चों एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल का अगर डिफरेंस बच्चों इवन है तो ये क्या होगा बच्चों, ये सिस होगा। ठीक है बच्चों, आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि एक्सियल अप है और थ्री का भी एक्सियल अप होगा, क्योंकि वन थ्री फाइव अल्टरनेट में एक्सियल जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, अप होते हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, दोनों तरीके से सेम रिजल्ट आते हैं बच्चों। अब देखिए ये ए है, ये ई है, ये वन है, ये थ्री है, तो बच्चों वन और थ्री, तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, तो डिफरेंस प्लस वन कर दीजिए, तो बच्चों डिफरेंस कितना है इनका, टू, और टू प्लस वन आ गया बच्चों थ्री, तो ये क्या मिला बच्चों, ऑड है, मतलब ये क्या है, ट्रांस है। ठीक है, तो वन थ्री का ट्रांस मतलब बच्चों कुछ ऐसे मिलेगा, वन और थ्री, तो बच्चों ये अप और बच्चों ये डाउन, और ये दोनों ही अप है, तो इसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं बच्चों, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे। अब बच्चों इसको देखिए, तो ये बच्चों क्या है, डाउन, और ये भी क्या है बच्चों, डाउन। ठीक है, और वन और थ्री बच्चों ये इक्वेटोरियल, तो दोनों ही ई हैं, तो बच्चों आपको डिफरेंस क्या मिला, डिफरेंस मिला टू, और डिफरेंस टू मतलब इवन है बच्चों, इवन क्या है, सिस। तो आप ऐसे भी देखिए, ये भी डाउन, ये भी डाउन, ये क्या है बच्चों, ये सिस है। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए, यहां पर हम बच्चों चेक करते हैं, तो इस वाले केस में देखिए बच्चों ये क्या है, वन और इसको लिखा थ्री। ठीक है, तो ये ऐसा है बच्चों, इस तरीके का वन और ये थ्री, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग कर दिया बच्चों हमने, तो ये बच्चों क्या है, ये इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सियल क्या है, ऊपर की तरफ है, इसका भी एक्सियल ऊपर की तरफ है, तो वन और थ्री है, तो वन और थ्री, तो डिफरेंस मिला बच्चों क्या, डिफरेंस मिला टू,
और दोनों ही क्या है, इक्वेटोरियल है। तो डिफरेंस टू इवन मतलब क्या है बच्चों, ये सीस है, ठीक है। अब बच्चों इसको देखिए, तो वन टू थ्री और फोर, तो वन और फोर पर है, ये इक्वेटोरियल है बच्चों, ये इक्वेटोरियल है, तो वन और फोर का इक्वेटोरियल, ठीक है, तो दोनों ही इक्वेटोरियल है बच्चों। तो डिफरेंस निकाल लीजिए बच्चों, डिफरेंस आ गया थ्री, और थ्री कैसा है बच्चों, ऑड, मतलब क्या है ये वाला जो फॉर्म दिया है बच्चों, ये क्या है, ये ट्रांस है, ठीक है। अगर बच्चों इसको चेक करना चाहें, देखिए ये इक्वेटोरियल वन और टू और ये थ्री, और ये है बच्चों एक्सियल, तो एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, तो कहीं भी लिखा हो हम एक्सियल इक्वेटोरियल बता सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, तो डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस मिला बच्चों टू, तो एक्सियल इक्वेटोरियल के डिफरेंस में हम एक को जोड़ देते हैं, तो डिफरेंस प्लस वन, तो मिला आपको बच्चों क्या है, डिफरेंस प्लस वन, तो डिफरेंस है बच्चों कितना, टू प्लस वन थ्री आ गया, और थ्री कैसा है बच्चों, ऑड, ऑड मतलब क्या हो गया बच्चों, ये ट्रांस हो गया। अब बच्चों आप इसको देखो, ये एक्सियल और ये क्या है इक्वेटोरियल, क्योंकि इसका एक्सियल नीचे की तरफ है, ठीक है, बस आपको एक्सियल इक्वेटोरियल देखना आना चाहिए। तो बच्चों ये क्या है वन और ये टू, ठीक है। तो बच्चों एक्सियल इक्वेटोरियल डिफरेंस, एक्सियल इक्वेटोरियल में डिफरेंस में प्लस वन ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस वन टू का डिफरेंस भी क्या है बच्चों, वन और प्लस वन, तो ये मिला टू, और वन प्लस वन टू मतलब इवन है, मतलब ये क्या है बच्चों, ये सीस स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम सीस और ट्रांस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।